खबर बुरहानपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बारिश के वीडियो जारी कर जिले के नागरिकों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने जिले में नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि पारस डैम बैतूल से आज 161 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। जनसाधारण से अपील है कि ताप्ती नदी के घाटों व किनारों पर ना जाएं। ताप्ती नदी के बैतूल स्थित पारस डैम के गेट खोलकर 161 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ेगा। बैतूल व बुरहानपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने से ताप्ती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अतः जन सामान्य को यह सूचना देते हुए सावधान किया जाता है कि शहर में ताप्ती नदी के किनारों पर जैसे राजघाट, सतियारा घाट, नागझिरी घाट, पीपल घाट आदि व देहात में नदी के आसपास के गांवों के लोग अधिक सावधानी रखें व नदी के किनारों व घाटों पर ना जाएं। बैतूल से सूचना प्राप्त होने पर पूर्व तैयारियों के तहत पुलिस टीम व होमगार्ड की रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। विराट 24 के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एसपी बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा बात कर रहा हूँ। मैं सभी बुरहानपुर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ में जो ताप्ती नदी जो बुरहानपुर में आने से पहले बैतूल से आती है, तो बैतूल में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बारिश हुई है। वहाँ पे पारस डैम से बड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ा गया है। तो आने वाले समय में ताप्ती नदी के घाटों पे और आसपास के एरियाज़ में ज़्यादा पानी होने की वजह से बाढ़ की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो पानी जब घाट पे बढ़ जाता है तो काफ़ी लोग हमें देखने में आता है कि लोग पानी देखने के लिए वहाँ पर आते हैं बड़ी मात्रा में और बड़ी हजूम में। मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तरीके के बाढ़ग्रस्त एरिया में एक तो ना आए, साथ ही साथ में जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनका कुछ देर के लिए उनको वहाँ से हटाने के लिए और एक शेल्टर होम जो है प्रशासन की तरफ से तैयार कर लिया गया है। उसमें प्रशासन और पुलिस मिलके अग्रिम कार्यवाही कर रही है, मगर बाकी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं पे भी बाढ़ग्रस्त एरिया के अंदर वहाँ पर बैठने के लिए और सेल्फी के नाम पे जो है वो बाढ़ग्रस्त एरिया में जाकर, किसी डेंजरस एरिया में जाकर सेल्फी ना ले, अपना ध्यान खुद रखें और प्रयास करें कि इस तरीके के एरिया में से जाना अवॉइड करें।